मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ दोस्तों। अभी वेडिंग का जो सीजन है स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, तो चलिए शुरू करते हैं इस कैमरे के कुछ सेटिंग के बारे में। अभी जो ये हमारे पास कैमरा है, इस कैमरे का मॉडल सोनी का कंपनी का है और 2500 मॉडल है। तो चलिए इस कैमरे में बहुत सारे भाई लोग चला रहे हैं, नए नए खरीदे हुए हैं, सेकेंड हैंड भी कैमरे खरीदे हुए हैं। कई तरह की परेशानी भी आती है, सेटिंग गड़बड़ा जाती है, तो कभी मैनुअल प्रॉब्लम, कभी ऑटो प्रॉब्लम, फोकस प्रॉब्लम, कभी आईएसओ प्रॉब्लम, कभी लाइट कम आ रही है, कभी धुंधला आ रही है, कभी जस आ रही है, कभी वीडियो जो है कभी जूम नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो देख नहीं पा रहे हैं रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो। उन सारी चीजें के जितना भी प्रॉब्लम आती है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और बहुत कम टाइम में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो में जाने के बाद भाई बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, बहुत फील करते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इस कैमरे का जो बेसिकली आपको चलाने के लिए जो चीज जानकारी होना चाहिए वही चीज मैं बताऊंगा और विस्तार से पूरा नहीं बताऊंगा। इसमें बस इतना बता दूंगा कि आप बढ़िया से एक वीडियोग्राफी कर सकते हैं वेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कैमरे के बारे में अगर बताऊं मैं, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एक बटन है जो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस बटन को ऑन करने के लिए यहाँ पे एक देख सकते हैं आप ग्रीन कलर का एक छोटा सा बटन है, उसको पहले दबाना पड़ता है। दबा के दोस्तों इसको ऑफ ऑन करना पड़ता है। तो अभी देखिए हमारा कैमरा ऑफ हो चुका है, अब मैं इसे ऑन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं इसे दबाया थोड़ा सा, जैसे पुश किया अब मैं ऊपर की ओर ले जाऊंगा इसको। ये हमारा ऊपर हो गया और अभी आप इधर आके देख सकते हैं डिस्प्ले में दिखाइए। देखिए अभी डिस्प्ले में हमारा लाइट आ चुका है, इसका मतलब हमारा कैमरा ऑन हो चुका है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग कर लिए हैं, अब इसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए दो बटन है इसमें, अगर आप इस तरह से हैंड से अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हैंड इसे हाथ से अगर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बटन दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, जो रेड कलर का है। तो इस रेड कलर को जैसे हम एक बार बटन दबाएंगे वैसे रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बटन और रेड के बगल में ही दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जूम आउट और जूम इन। जूम आउट और इन का मतलब होता है कि जूम एक बार होता है और जूम एक बार घटता है, प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है दोस्तों, बस सिंपल सी बात। और अगर आप शोल्डर में इस कैमरे को यूज करते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे बाय द वे आप ज्यादा देर तक वीडियो शूट कर रहे हैं, थक गए हैं, आपका हाथ दुखने लगा है, तो आप शोल्डर में लेंगे। तो शोल्डर में लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया हुआ, आप देख सकते हैं जो हम हाथ पकड़े हुए हैं यहाँ पे एक बटन दिया हुआ जहाँ पे आप कैमरा ऑन कर रहे हैं। जैसे इस कैमरे का एक बटन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग आपका चालू हो जाएगा, डिस्प्ले में दिखेगा मिनट बढ़ता हुआ, ठीक है। और जैसे इसको पुश करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोटे वाले बटन है, ये जूम बटन है दोस्तों, यहाँ से भी जूम होता है और जूम प्लस होता है, जूम माइनस होता है। तो ये इतना सारा चीज होता है। अभी आप सीख चुके हैं कैमरा, इस कैमरे को ऑन करने और इस कैमरे को रिकॉर्डिंग करने और इस कैमरे में जूम करना और जूम घटाना, ये तीन सारी चीजें सीख चुके हैं। अब आगे बताते हैं दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग तो कर चुके हैं भाई, अब रिकॉर्डिंग किए तो किए, अब उसे हम देखना चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कैसा हुआ। कुछ सारी चीजें देखने के लिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे दो बटन है देख सकते हैं, मेनू बटन। तो यहाँ पे जो TUMBNAN ट्यूब लाइन जो है, यहाँ पे टाइम लाइन बोलते हैं इसे अपने भाषा में, तो इसे मैं एक बार दबा देता हूँ। जैसे ही दबाऊंगा दोस्तों यहाँ पे दो फोल्डर खुल जाता है हमारा, जैसे यहाँ पे इंटरनल मेमोरी कार्ड सबसे पहले है और आप जो बाहर से मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो सेकंड नंबर में है, जो राइट साइड में है, ठीक है। अब हम वीडियो को प्ले करके देखना चाहते हैं जो मैंने कल नाइट में शूट किया था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक वीडियो है, मैं इसे प्ले करना चाहता हूँ। तो जैसे ये रेक्टेंगल टूल जो है येलो कलर का, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस फाइल को हम प्ले करके देखना चाहेंगे, ठीक है। अब हम इसे प्ले करते हैं, जैसे प्ले करने के लिए यहाँ पे एक सेट बटन लिखा हुआ है बीच वाले, इसे एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही दोस्तों प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डांस प्रोग्राम चल रहा था नाइट में, तो मैंने इसे वीडियो शूट किया है। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वालिटी में आया है, एक्चुअली लाइट थोड़ी कम थी इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं फीका फील हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे मैं एडिटिंग टूल से थोड़ा इसमें लाइट बढ़ा दूंगा। तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं पुश। अब दोस्तों आप आते हैं बाइक, बाइक आने के लिए मेनू बटन एक बार प्रेस कर देंगे, दोबारा प्रेस करेंगे ट्यूब लाइन, फिर प्रेस कर देंगे, अब हमारा कैमरा बैक आ चुका है, ठीक है। तो इसे करना कुछ नहीं है, तो चलिए आप देख, अभी आप सीख चुके हैं इस कैमरे को ऑन करना एक, दूसरा इस कैमरे से रिकॉर्डिंग करना दो,
इस कैमरे से जूम करना, तीन इस कैमरे से वीडियो किया हुआ देखने के लिए कैसे देखते हैं, चार और दोस्तों एक पांचवा नंबर और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप नाइट के टाइम में या इवनिंग के टाइम में या दिन में भी अगर इंडोर में मतलब रूम में वीडियो शूट कर रहे हैं और आपके पास एलईडी लाइट नहीं है तो आप इस लाइट का भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट जल गया है, इमरजेंसी लाइट दिया हुआ है, इसे हम वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए अभी आप इतने कुछ सीख चुके हैं और दोस्तों एक चीज और बेहतरीन चीज सिक्स नंबर वाले में बताऊंगा, ये मोटे वाले माइक है, अगर आप दूर में कहीं प्रोग्राम चल रही है जैसे कथा सुनाया जा रहा है, प्रवचन हो रही है, तो इस कैमरे को यहाँ पे कैमरे वाला जो है ये वाला खोल देंगे हम लोग माइक। और दोस्तों ऐसा बोया वाला माइक मिलता है 1100-1200 में, आप जैसा भी ले सकते हैं कंपनी का, और इसमें लगा के और उनको कॉलर माइक वहाँ पे लगा देंगे और आपका लगभग देख सकते हैं इसमें बहुत सारा 20 मीटर तक के तार भी आता है, तो आप वीडियो शूट करेंगे और इससे बेहतर वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग होगा और ऑडियो की क्वालिटी बेस्ट होगा। तो दोस्तों अभी आपने साथ से सीखा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।